नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आज सुबह जब अखबार खोला तो शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले पर नजर गई। उन्होंने अपनी कैबिनेट से 85 साल के नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को चलता कर दिया, उम्र का हवाला दिया गया। उधर मोदी कैबिनेट के बारे में भी बार बार ये बात कही जाती है कि 75 का आंकड़ा ही वो है जिसके पार होते ही नेताओं को मंत्री पद छोड़ना होगा, और इस सिलसिले में नजमा हेपतुल्ला का नाम बार बार आ रहा है। इन नेताओं को दुख तो हो रहा होगा लाल बत्ती की कार गंवाने पर, मगर मैं बाबूलाल गौर और नजमा हेपतुल्ला को बीजेपी के ही एक पितृपुरुष का किस्सा सुनाना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी राजनीति के शीर्ष पर रहते हुए 60 बरस की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लिया और वापस कभी मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया तो समाज से किनारा कर लिया, समाज के लिए वो लगातार काम करते रहे और लगभग संत सी हैसियत पाकर दुनिया को अलविदा कहा। ये चंडिका राव अमृतराव देशमुख की कहानी है, नानाजी देशमुख की कहानी, जिन्होंने संगठन का काम करने के लिए एक बाबा का बावर्ची बनना कबूल किया, जिन्होंने देश में सबसे पहला सरस्वती शिशु मंदिर शुरू किया और जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को बचाने के लिए अपना हाथ तोड़वा लिया। आज किस्सा नानाजी देशमुख का। नानाजी देशमुख पहले संघ में रहे और फिर जनसंघ में आ गए, जो कि संघ से आए हुए लोगों का एक राजनीतिक जमावड़ा था, और उनको प्रचारक बनाकर गोरखपुर भेजा गया। मुफलिसी के दिन थे, नए ढंग से संगठन को संवारने का काम हो रहा था, संसाधन बेहद कम थे। हालत ये हो गए कि नानाजी देशमुख के पास धर्मशाला में टिकने के भी पैसे नहीं थे। तब उनकी मदद की बाबा राघव दास ने। शर्त बस एक थी कि देशमुख को बाबा के लिए बावर्ची का काम करना होगा, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा और महत्वपूर्ण था कि नानाजी देशमुख इसके लिए भी तैयार हो गए। और उसके बाद कुछ ही बरसों में पूरे उत्तर प्रदेश में जनसंघ की यूनिट स्थापित हो गई। मगर नानाजी देशमुख की महानता सिर्फ इसमें नहीं है कि उन्होंने संगठन के लिए काम किया। आप ये याद रखिए कि इस देश में चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां, या फिर जनसंघ या आपकी बीजेपी, इनको बढ़ाने और बचाने के लिए लाखों लाख फुट सोल्जर्स ने, प्रचारकों ने बहुत मेहनत से काम किया है। और आज जो सत्ता के शीर्ष पर आपको कंगूरे चमकते नजर आते हैं, ये उन्हीं लोगों की मेहनत की बदौलत है। मैं बात कर रहा हूँ नानाजी देशमुख की। नानाजी देशमुख की खासियत ये थी कि उनके विपक्षी दलों के नेताओं से भी बहुत अच्छे संबंध थे। वो शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राम मनोहर लोहिया को, जो कि सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए एक बड़े प्रखर नेता थे, भारतीय जनसंघ यानी कि बीजेपी की पेरेंट पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। यहीं पर लोहिया की पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मुलाकात हुई और उसके बाद विपक्षी एकता नए सिरे से परवान चढ़ी। इसका पहला नतीजा नज़र में आया 1967 में, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता गंवाई और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, जनसंघ भी जिसका हिस्सा रहा था। नानाजी देशमुख के हीरोइज्म का दूसरा किस्सा मुझे याद आ रहा है 1974-75 के दशक का, जब जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरोध में पटना की सड़कों पर एक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। वहाँ की कांग्रेस सरकार ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। पुलिस की लाठी नेता का कद, पद या प्रतिष्ठा नहीं देखती है। लाठियों की चपेट में जेपी भी आ गए और तब नानाजी देशमुख उनके शरीर के ऊपर लेट गए, लाठियां खाते रहे ताकि उनका नेता चोटिल ना हो जाए। इस फेर में नानाजी देशमुख का हाथ टूट गया, लेकिन हाथ से ज़्यादा अहम था उस हस्ती को बचाना जो इंदिरा की तानाशाही से देश को बचाने के लिए बिना किसी पद या प्रतिष्ठा के लोभ के एक संत की तरह, एक सच्चे गांधीवादी की तरह निकल पड़ा था अपनी उम्र, अपनी सेहत और अपनी पहले की राजनीति से दूर रहने की कस्मों की परवाह किए बिना। सियासत कई बार अपनी दिलचस्प दुश्मनियों के लिए भी याद आती है। ऐसी ही एक दुश्मनी उत्तर प्रदेश में पनपी कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्त और यूपी में जनसंघ की कमान संभाल रहे नानाजी देशमुख के बीच। और देशमुख ने गुप्त को तीन बार पटकनी दी। पहली बार जब चंद्रभानु गुप्त ने एक राज्यसभा के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर किया और नानाजी देशमुख ने तमाम वैचारिक प्रतिबद्धताओं को किनारे रखते हुए गैर कांग्रेसवाद के नाम पर सारे विपक्षी दलों को एकजुट किया और चंद्रभानु गुप्त का नॉमिनेट किया हुआ राज्यसभा कैंडिडेट चुनाव हार गया। दूसरी बार हार ज़्यादा व्यक्तिगत थी, क्योंकि चंद्रभानु गुप्त लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ रहे थे। नानाजी देशमुख ने एक बार फिर गोलबंदी की
और कांग्रेस का ये कद्दावर नेता विधानसभा का चुनाव हार गया और तीसरी बार एक बार फिर से बुंदेलखंड के हमीरपुर इलाके की मौदहा सीट पर चंद्रभानु गुप्त को चुनाव हारना पड़ा और इस बार फिर विपक्ष की कमान नानाजी देशमुख के हाथ में थी। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता है। मजे की बात यह है कि तीन हार के बावजूद चंद्रभानु गुप्त के मन में नानाजी देशमुख को लेकर कोई व्यक्तिगत तल्खी नहीं थी। वो अक्सर कहा करते थे, ये नानाजी देशमुख नहीं, नानाजी फडणवीस हैं। नानाजी फडणवीस मराठाओं के सबसे ज़्यादा चतुर प्रधानमंत्री माने जाते थे। नानाजी देशमुख से जुड़ा एक किस्सा मुझे और भी याद आ रहा है, जो 1980 में हुआ, बल्कि उसके पहले का ही दौर याद कर लें, जब 1977 में यूपी की बलरामपुर सीट से सांसद का चुनाव जीतकर वह लोकसभा पहुंचे। उनको ये विकल्प दिया गया कि वो मुरारजी देसाई सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। नाना ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं संगठन के लिए ही ठीक हूँ। और उसके बाद 1980 में जब जनता पार्टी भंग हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो नानाजी देशमुख ने पूरे राजनीतिक गलियारे को अपने एक ऐलान से चौंका दिया। ये ऐलान था राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। ये देश का इकलौता ऐसा मौका है जब सत्ता के ऊपरी पायदान पर खड़े एक व्यक्ति ने इस तरीके का संकल्प लिया हो। और उसके बाद नानाजी देशमुख चित्रकूट चले गए और वहाँ पर उन्होंने पहले तो दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और उसके बाद अपनी तरह के इकलौते और अनूठे चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। संन्यास के बारे में नानाजी देशमुख अक्सर मजाक में एक बात कहा करते थे, लोग राजा राम की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, मैं चित्रकूट में आकर वनवासी राम की पूजा कर रहा हूँ, इसलिए संन्यास का रास्ता ही ठीक था। हालांकि एक किस्सा मुझे और भी याद आ रहा है, एक और नेता का। एक नानाजी देशमुख थे जिन्होंने 60 की उम्र में संन्यास ले लिया और एक शख्स था जो जब 60 साल का हो गया तब उसने राजनीति में घुसने का ऐलान किया और महज 9 महीने के भीतर देश की सबसे ताकतवर सरकार को घुटनों पर ला दिया। ये आदमी था तेलुगु सिनेमा का मशहूर एक्टर एनटी रामाराव, जो 60 का हुआ तो अपनी पार्टी बनाई और 9 महीने के भीतर जब चुनाव में उतरा तो उसने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मिट्टी पलीत करवा दिया। और वो ऐसा करने वाले इकलौते व्यक्ति इसलिए थे क्योंकि उससे पहले आंध्र प्रदेश में कभी भी कांग्रेस चुनाव नहीं हारी थी। एनटीआर का किस्सा फिर कभी। फिलहाल तो बीजेपी वाले नानाजी देशमुख के संन्यास को याद करें या कि ये सियासी बहस करें कि राजनीति में रिटायरमेंट की एज क्या होती है।